हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज एक ऐसी साइकोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो देख के ऐसा महसूस होता है मानो दुनिया में कोई हीरो है ही नहीं। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां है। दिमाग के किसी कोने में हम भी थोड़े बहुत साइको है। मूवी का नाम है डीप इविल, जो 2019 में रिलीज हुई एक ताइवानीज मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते है। शॉन एक शॉर्ट टेम्पर्ड पुलिस डिटेक्टिव है, खास करके क्रिमिनल्स और रेपिस्ट के लिए। तो ऐसे ही एक केस में एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट लड़की पे दुराचार करके उसे मार देता है, जिसकी डेड बॉडी उस प्रोफेसर की कार की डिकी में मिलती है। प्रोफेसर डर के मारे अपने आप को कार में बंद करके नींद की गोलियां खा जाता है। शॉन को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने पार्टनर टोनी के साथ वहां पहुंचता है। डिकी में पड़ी उस छोटी बच्ची की लाश को देख के उसका खून खौल उठता है। वह कार की कांच फोड़ के उस प्रोफेसर को बाहर निकाल के बहुत पिटता है। इसके बावजूद के उस प्रोफेसर ने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली है, वह उस प्रोफेसर को हॉस्पिटल नहीं भेजता। नतीजा वह प्रोफेसर मर जाता है। तो शॉन क्रिमिनल्स को लेके अपने दिल में दया की भावना बिल्कुल नहीं रखता। शॉन वैसे ज्यादा बातूनी आदमी नहीं है, वह अकेला चुपचाप रहना पसंद करता है। उसका डिवोर्स होने वाला है, मगर उसके जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसकी छोटी बच्ची की मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार जॉन खुद को मानता है। वह गम उसे खाए जा रहा है। ऑटोप्सी डॉक्टर नीना के दिल में शॉन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मगर उसका स्वभाव भी गुमसुम सा है। तो काम के बहाने मिलने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते। प्रोफेसर की मौत का शॉन को जिम्मेदार ठहरा के उसकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी ऑफिसर का कहना है शॉन ने प्रोफेसर को 2 घंटे पुलिस कार में बिठा के रखा, उसके बदले उसे हॉस्पिटल भेजा जाता तो वह बच जाता। तो इस बात को लेके उस प्रोफेसर की फैमिली एक्सप्लेनेशन मांग रही है। शॉन उस लेडी से कहता है कि प्रोफेसर ने 72 घंटे उस छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया, टॉर्चर किया और उसे मार दिया, तो तुम उस लड़की के घर वालों को क्या एक्सप्लेनेशन दोगी? ना इंसाफी किसके साथ हुई है, उस छोटी बच्ची के साथ या उसको मॉलेस्ट करने वाले उस क्रिमिनल के साथ? तो ऐसा ही शॉन है। जब शॉन का पार्टनर खाने में पीक का यानी डुक्कर का गर्भाशय खाता है तो वह उसे भी सुनाता है, तुम जैसे लोग यह सब खाते हैं, इसलिए फीमेल जानवरों को मारा जाता है। जानवर हो या इंसान, शॉन सभी नारी जाति का रिस्पेक्ट करता है। रात को भी उस छोटी स्टूडेंट की लाश उसे चैन से बैठने नहीं देती। उस वाकियात से उसे अपनी मरी हुई बच्ची की याद आती है। तो इन्हीं हालात में पुलिस को नदी किनारे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसका सर गायब है, सिर्फ धड़ मिला है। शॉन टोनी के साथ क्राइम लोकेशन पे पहुंचता है। नीना उसे बताती है कि लड़की की मौत 2 दिन पहले हुई है। अब उस लड़की की डेड बॉडी को ऑटोप्सी हॉस्पिटल लाया जाता है। उस लड़की के उंगलियों को जलाया गया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। नीना को उस लड़की के ब्रेस्ट में इम्प्लांट मिलता है। नीना शॉन से कहती है कि मरने के पहले उस लड़की को फिजिकली टॉर्चर किया गया है, मगर उसके प्राइवेट पार्ट्स वॉश किए गए हैं, इसलिए उनमें से कोई सबूत नहीं मिल पाए। गर्दन को किसी तेज चाकू से काटा गया है, मगर अच्छी बात यह है कि उसके ब्रेस्ट में जो इम्प्लांट मिला है उसके ऊपर सीरियल नंबर है, जिससे मालूम किया जा सकता है कि उस लड़की की इम्प्लांट सर्जरी किस हॉस्पिटल में की गई है। नीना शॉन से कहती है कि उसके कॉन्टेक्ट से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। नीना की हेल्प को देख के शॉन उसे डिनर ऑफर करता है, मगर नीना किसी बात को लेके डिप्रेस है तो वो किसी और दिन का वादा करके टाल देती है। घर पे आने के बाद नीना को पता चलता है कि उस लड़की की ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी डॉक्टर कैल्विन के हॉस्पिटल में हुई है। वह सुनके नीना शॉक सी हो जाती है। कैल्विन की वेबसाइट देखने के बाद उसे पता चलता है कि कैल्विन की हाल ही में एंगेजमेंट हुई है, जिससे नीना और डिप्रेस होती है, क्योंकि किसी जमाने में कैल्विन और नीना का अफेयर था। अगले दिन शॉन टोनी के साथ कैल्विन के हॉस्पिटल तहकीकात के लिए पहुंचता है। कैल्विन एक कॉस्मेटिक सर्जन है। वहां जाने के बाद शॉन को पता चलता है कि कैल्विन अपने प्री सर्जरी के स्केचेस खुद बनाता है, जिसमें पेंटिंग की झलक नजर आती है। वहां के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की बिना सर की लाश मिली थी उस लड़की का नाम हैना है, मगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हैना ने जो नंबर दिया है वो किसी और का है। तहकीकात से पता चलता है कि वो नंबर हैना के एक्स बॉयफ्रेंड जिमी का है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। जिमी के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को हैना का मोबाइल नंबर भी मिलता है। अब पुलिस को हैना का चेहरा मिल चुका है। तो शॉन उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है जहां हैना काम करती थी। वहां उसकी मुलाकात हैना की रूम पार्टनर टीना से होती है। हैना की इस तरह मौत से टीना शॉक में है। टीना से शॉन को पता चलता है कि जिस नाइट क्लब में हैना काम करती है वहीं पे जिमी बॉन्सर का काम करता है,
और पैसे को लेके वह हैना को पीटा भी करता था। तो अब शॉन और टोनी जिमी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, जहां जिमी शॉन पे हमला करता है और उसकी गन छीन के टोनी को मारने जाता ही है कि उसके पहले टोनी उसे शूट कर देता है। जिमी वहीं पे मर जाता है, मगर जिमी का दोस्त टोनी के पीठ में एक बड़ा सा चाकू भोंक देता है। टोनी की वहीं पे मौत हो जाती है। शॉन अपने पार्टनर टोनी को खो देता है। टोनी के मेमोरियल पे वो इमोशनल हो जाता है। वहां पे आई नीना को पता चलता है कि जिमी को हैना का खूनी ठहरा के केस को क्लोज किया गया है। तो वह शॉन को एक सेमेट्री लेके जाती है, जहाँ किसी विनी नाम की लड़की की कब्र होती है, जिसकी 7 साल पहले डेथ हो चुकी है। नीना शॉन को बताती है कि विनी उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त नीना एक लड़के को डेट किया करती थी जो कॉलेज का हीरो था। एक रात शराब की मदहोशी में उसने नीना को प्रपोज किया। नीना ने बिना एक पल सोचे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। शराब के नशे में दोनों इंटीमेट हुए। अगले दिन कॉलेज के ग्राउंड पे इसी विनी की लाश मिली, जो उसी कॉलेज के हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब पुलिस ने इस बात को लेके नीना से पूछताछ की, तो नीना ने उनसे उस कॉलेज हीरो के कहने पे झूठ कहा कि वह सुबह तक उसके साथ था, हालांकि वह मिडनाइट में चला गया था, जिसके चलते वह कॉलेज हीरो पुलिस की चंगुल से बच गया था। विनी का मर्डर केस अनसॉल्व रह गया था। उस वाकियात के बाद उस कॉलेज हीरो ने नीना से रिश्ता तोड़ दिया। नीना उसी वक्त समझ गई थी कि उस लड़के ने अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल किया, और कहीं जाके नीना को अंदर से यह बात खल रही है कि उसकी वजह से विनी का कातिल आजाद घूम रहा है, उसकी वजह से विनी के साथ नाइंसाफी हुई है। नीना को उस दिन से हमेशा एक डरावना सपना दिखता है, जिसमें एक अनजान शख्स उसके साथ दुराचार कर रहा है, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई है। नीना शॉन से कहती है कि इतना सब बताने की वजह यह है कि हैना का मर्डर भी ठीक विनी की तरह ही हुआ है। हैना के साथ भी विनी की तरह हाथ पैर बांध के दुराचार किया गया है, और हैना के प्राइवेट पार्ट्स भी विनी की तरह ही मर्डर करने के बाद वॉश किए गए हैं। मगर शॉन का दिल नहीं मानता कि इतने सालों के बाद मर्डरर फिर से यह सब करेगा। तो नीना उसे बताती है कि वो कंफर्म इसलिए है क्योंकि दोनों मर्डर केस में एक ही शख्स का नाम जुड़ा हुआ है, और वह है डॉक्टर केल्विन। केल्विन ही वह कॉलेज हीरो है जिसने शायद विनी को मारा है, और अब हैना को भी। दूसरे दिन शॉन केल्विन से मिलने उसके क्लिनिक जाता है। वहां उसे केल्विन की कंसल्टिंग रूम में दीवार पे लगाई कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिसमें एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान नजर आता है। जब शॉन केल्विन से उसके बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है उसे वह पेंटिंग्स इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें पेंट की गई औरतें शरीर रचना में परफेक्ट है। जैसे एज अ कॉस्मेटिक सर्जन औरतों के शरीर को परफेक्ट बनाना उसका काम है। उसी वक्त मौका देख के शॉन अपना हिडन माइक्रोफोन वाला पेन केल्विन के पेन स्टैंड में ऑन करके रख देता है। अब शॉन उस पुलिस डिटेक्टिव से मिलता है जो 7 साल पहले विनी मर्डर केस हैंडल करता था। वो डिटेक्टिव शॉन को बताता है कि विनी के मर्डर में एक नहीं बल्कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि क्राइम सीन पे उन्हें मिट्टी में 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले। एक शायद कॉलेज का था और दूसरा बाहर का। सर्जिकल नाइफ से विनी का गला काटा गया था। यहाँ हैना की नाइट क्लब दोस्त टीना शॉन को मिलने बुलाती है क्योंकि उसे कुछ याद आया है। वह शॉन को बताती है कि हैना के गायब होने के एक रात पहले हैना एक क्लाइंट के साथ बैठी थी। उस क्लाइंट ने हैना को उसके मोबाइल पे एक पेंटिंग की फोटो दिखाई, जिसे देख के हैना शॉक हुई थी। यहाँ क्लिनिक में केल्विन एक लेडी पेशेंट की सर्जरी कर रहा होता है। उसने उस लेडी को एनेस्थेशिया देके बेहोश किया है, मगर अचानक सर्जरी छोड़ के वह चला जाता है, और अगले ही पल एक मास्क पहना हुआ आदमी ऑपरेशन थिएटर में आता है, और वह आदमी उस लेडी पेशेंट के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। एक वीडियो कैमरा वह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी वक्त शॉन केल्विन के क्लिनिक पहुंचता है। वह पेन स्टैंड से अपना माइक्रोफोन वाला पेन उठा लेता है। उसे डेस्क पे एक स्केच दिखाई देता है जो एक पेंटिंग की तरह दिख रही है, तो वह उसे भी अपने पॉकेट में डाल देता है। तभी उसे वह अनजान शख्स क्लिनिक के बाहर जाते हुए दिखाई देता है। शॉन उसका पीछा करता है तो वह आदमी मोटरसाइकिल पे से भाग जाता है। तभी शॉन को टीना का फोन आता है कि उसने उस रात वाले हैना के क्लाइंट का पता लगा लिया है। तो अब शॉन उस क्लाइंट के घर पहुंचता है, तो वहां उसे हैना की पेंटिंग भी दिखाई देती है। वह उस आदमी से पूछताछ करता है, तो उसे पता चलता है उस आदमी ने वह पेंटिंग किसी एम्प्टी आर्ट गैलरी से खरीदी की है। यहाँ केल्विन को पता चल चुका है कि नीना ने शॉन को विनी इंसिडेंट के बारे में सब बताया है, तो वह नीना को मिलने बुलाता है। अब एक पेंटिंग स्टूडियो में हमें केल्विन दिखता है। वह उस मास्क मैन का इंटीमेट वीडियो प्ले करके उससे पेंटिंग बनाता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में अगालमेटोफेलिया कहते हैं, जो एक एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन दर्शाती है। यानी केल्विन को यह मेंटल बीमारी है।
शॉन को कैल्विन के क्लिनिक से बरामद किए गए उस हिडन माइक्रोफोन से पता चलता है कि वह जल्दी ही देश छोड़ के भागने जा रहा है। रात को नीना शॉन से मिलने आती है तो शॉन उसे हैना की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि मरने के पहले किसी ने हैना को फिजिकली स्ट्रैंगल किया था और उसकी पेंटिंग बनाई थी जो किसी एमटी नाम के गैलरी ने बेची है। वह नीना को कैल्विन के देश छोड़ के भागने की बात भी बताता है। अब शॉन और नीना एक दूसरे के करीब आते हैं मगर अंदर ही खाए जा रही कोई चीज शॉन को रोकती है। रात को नीना कैल्विन से मिलने उसके क्लिनिक जाती है मगर वह सर्जिकल नाइफ से उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। कैल्विन को हॉस्पिटल भेजा जाता है तो नीना को अरेस्ट किया जाता है। शॉन नीना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वह उसे बताती है कि यह उसका प्रायश्चित है, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसका बुरा पास्ट उसे चैन से सोने नहीं देता। नीना उसे यह सीक्रेट भी बताती है कि वह कैल्विन से प्रेग्नेंट थी मगर न जाने कैसे उसका मिसकैरेज हुआ। शॉन को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता चलता है कि नीना ने सर्जिकल नाइफ कैल्विन की बॉडी में ऐसी जगह मारा है जिससे उसकी मौत ना हो, वह सिर्फ घायल हो, जो सिर्फ एक ऑटोप्सी डॉक्टर ही कर सकती है। मतलब कैल्विन को मारने का नीना का इरादा नहीं था। अब सीसीटीवी फुटेज देखते हुए शॉन को कुछ नजर आता है तो वह कैल्विन का लैपटॉप जब्त करता है। शॉन को पता चलता है कि एमटी गैलरी का ओनर कोई हैरी नाम का शख्स है। वो वही शख्स है जो उस रात कैल्विन के क्लिनिक से भागा था। हैरी इस तरह की अजीब पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचता है। बचपन में एक आग में जलने की वजह से इस हैरी का चेहरा जला हुआ है। अब जब कैल्विन का लैपटॉप खोला जाता है तो उसमें कुछ वीडियोस मिलते हैं। वो उन्हीं लड़कियों के वीडियोस हैं जिनको इंटीमेट करा के उन्हें शूट किया जाता है और उसी अवस्था में उनकी पेंटिंग्स बना के उन पेंटिंग्स को हैरी की वेबसाइट पे बेचने के लिए रखा जाता है। अब जैसे ही शॉन को कैल्विन के काले कारनामों का पता चलता है वो हॉस्पिटल में भागता है मगर कैल्विन वहां से भाग चुका है। अब शॉन एम्प्टी गैलरी पहुंचता है जहां उसे और भी कई औरतों की पेंटिंग्स दिखाई देती है, जहां उसे नीना की पेंटिंग भी दिखाई देती है कि तभी हैरी उस पे हमला करता है। दोनों में फाइटिंग शुरू होती है। शॉन हैरी को मार मार के अधमरा कर देता है तो पीछे से कैल्विन शॉन पे गोली चलाता है। निशाना चूक जाता है मगर शॉन घायल होता है। अब कैल्विन शॉन पे गोली चलाता है तो गन मैगजीन लॉक हो जाने की वजह से गोली बाउंस होके कैल्विन को लगती है। कैल्विन की वही पे मौत होती है जिससे हैरी गुस्सा होके चाकू लेके शॉन को मारने दौड़ता है। दोनों में फिर से फाइटिंग शुरू होती है। तभी शॉन को फ्रीजर में रखा हैना का कटा हुआ सर भी दिखता है। हैरी के सर पे पागलपन सवार हुआ है। वो शॉन का गला दबाने लगता है फिर वह पास ही पड़ा चाकू शॉन के पेट में भोंक देता है। शॉन बड़ी मुश्किल से उस पर ओवरपावर होके उसे बेहोश कर देता है। शॉन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। बेहोशी की हालत में उसे उसकी लड़की दिखती है, मानो वही उसे मौत के मुंह से खींच लाई है। न्यूज से पता चलता है कि हैरी डॉक्टर कैल्विन का छोटा भाई है। कैल्विन अपने क्लिनिक में आने वाली लेडीज पेशेंट को सर्जरी के दरमियान एनेस्थीसिया देके अपने भाई को उससे इंटीमेट कराता था, जिसका वीडियो शूट करके उससे इंस्पायर होके वह उन औरतों की पेंटिंग बनाता था और उन पेंटिंग से खुद को सेटिस्फाई करता था। हैरी उन्हीं पेंटिंग्स को अपने स्टूडियो के जरिए बेचा करता था। उन पेंटिंग्स को उसके जैसे ही साइको बायर्स खरीदते थे। चेहरा जल जाने की वजह से हैरी से लड़कियां दूर रहती थी तो उसे भी कैल्विन के पेशेंट के जरिए सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब तक कैल्विन और हैरी ने 30 से भी ज्यादा लड़कियों को सीड्यूस किया था। हैरी ने विनी और हैना को मारा था। हैरी ने विनी को इसलिए मारा क्योंकि हैरी के इंटीमेट होते वक्त उसको होश आया था तो हैना कैल्विन के काले कारनामे जान चुकी थी। उसने उसकी ऑकवर्ड पोजीशन की वो पेंटिंग उस क्लाइंट के मोबाइल में देखी थी। शॉन जेल जाके यह सब बातें नीना को बताता है। हैरी को फांसी होती है तो नीना को 1 साल की सजा होती है। नीना जेल से बाहर आने के बाद इस इंसिडेंट पे नॉवेल लिखती है जो बेस्ट सेलर साबित होती है। वह नॉवेल पढ़ के कैल्विन की फियांसे शॉन के पास आके उससे कहती है कि नॉवेल में कैल्विन को गलत बताया गया है। कैल्विन जो करता था उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। दरअसल कैल्विन एक नपुंसक आदमी था। वह किसी लड़की से इंटीमेट हो ही नहीं सकता था जिसकी वजह से वह अगालमेटोफेलिया का शिकार हो गया और खुद ने ड्रॉ की हुई उन लड़कियों की पेंटिंग में वह सेटिस्फेक्शन ढूंढता था। तभी शॉन को नीना की बातें याद आती है कि 7 साल पहले कॉलेज के वक्त कैल्विन एक रात नीना से इंटीमेट हुआ था। अगर कैल्विन नपुंसक है तो यह कैसे पॉसिबल है? तो अब शॉन कैल्विन के पुराने वीडियोस देखता है जो उसे उसके लैपटॉप से मिले हैं। उसमें नीना का पुराना वीडियो देख के वो शॉक होता है। उस रात कैल्विन नहीं बल्कि हैरी नीना से इंटीमेट हुआ था। नीना हैरी से प्रेग्नेंट हुई थी, नपुंसक कैल्विन से नहीं। उसकी उस रात कैल्विन ने पेंटिंग भी बनाई मगर बेची नहीं। एक रात सिडेटिव देके कैल्विन ने नीना का एबॉर्शन किया। धुंधली आंखों से देखा वही वाकियात नीना को सपने में आके सताता था। शॉन उस पेन ड्राइव को जला के वह राज अपने सीने में दफन करता है।
नीना अपने नॉवेल के जरिए दावा करती थी कि वह उसके नॉवेल के सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जानती है, मगर वह उसकी जिंदगी का यह काला राज नहीं जानती थी। शॉन नीना से मिलके कहता है कि तुम्हारी नॉवेल के सभी कैरेक्टर वैसे नहीं जैसा तुमने उन्हें प्रेजेंट किया है। तुमने मुझे नॉवेल का हीरो बनाया, मगर असल जिंदगी में मैं एक विलन से कम नहीं हूँ। मेरी वजह से मेरी बच्ची मर गई, वह भी उसके जन्मदिन पे। उस रात मैं जानता था मेरी बच्ची का जन्मदिन है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। इसके बावजूद मैं स्वार्थी होके मेरे दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा, उसके बाद बहक के किसी अनजान औरत के साथ मजे करने गया। घर में मेरी बच्ची अकेली बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी, मगर मैं मेरे स्वार्थ में मशगूल था। मेरी राह देखने के चक्कर में वह बालकनी के ऊपर चढ़ी और बैलेंस जाके नीचे गिरी। मैं देर रात घर पहुंचा तो मेरे सामने उसकी लाश पड़ी थी। अगर उस रात मैं वक्त पे घर आता तो आज वह जिंदा होती। एक तरह से वह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। वह नीना से कहता है कि तुमने जो नॉवेल के पहले पेज पे लिखा है बेस्ड ऑन ट्रू कैरेक्टर्स, वह निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी नॉवेल सिर्फ एक फिक्शन है, ट्रू इंसिडेंट नहीं, सच्चाई कुछ अलग है। अब शॉन घर जाके अपने डिवोर्स पेपर्स पे साइन करता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी एक क्लासिक तरीके से प्रेजेंट की गई है और मिस्ट्री भी अच्छी मेंटेन की गई है, तो देखने लायक बनती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।